भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी को एक तरह से भगवान से भी बड़ा बता दिया है। अब जब खुद भगवान जगन्नाथ ही पीएम मोदी के भक्त होंगे तो सीधी सी बात है कि पीएम मोदी भगवान जगन्नाथ से भी बड़े हो गए। ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के दिग्गज प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिया है। सोमवार को मतदान के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पात्रा ने यहाँ तक कह दिया कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। हालांकि अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है और कह रहे हैं कि इस भूल को सुधारने के लिए वो 3 दिन तक उपवास पे बैठेंगे। लेकिन इतनी बड़ी भूल जिस पर पूरा विपक्ष अब इस बयान को लेकर बीजेपी को घेर रहा है, पीएम मोदी को घेर रहा है, पात्रा पर तो हमलावर है ही। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से इस वीडियो में जान लीजिए। दरअसल बीजेपी नेता और पूरी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान जगन्नाथ पर की गई टिप्पणी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी उड़िया चैनल से बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। संबित पात्रा के वायरल वीडियो क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान हैं। महाप्रभु को दूसरे इंसान का भक्त कहना भगवान का बहुत बड़ा मान है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अपने बयान पर सफाई दी है और कहा है कि उनकी जुबान फिसल गई थी। पात्रा ने कहा कि आज पूरी में नरेंद्र मोदी जी के रोड शो की भारी सफलता के बाद मैंने कई मीडिया चैनलों को कई बाइट्स दिए। हर जगह मैंने उल्लेख किया था कि मोदी जी एक उत्साही और श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त हैं, लेकिन मैंने इसका ठीक उल्टा उच्चारण कर दिया। मैं जानता हूं कि आप भी इसे जानते और समझते होंगे। किसी अस्तित्वहीन मुद्दे को मुद्दा न बनाया जाए। हम सभी की कभी न कभी जुबान जरूर फिसली होगी। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर याचना क्षमा मांगता हूं और अपने इस भूल सुधार और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन तक मैं उपवास पर रहूंगा। अरविंद केजरीवाल ने भी पात्रा की आलोचना की है और कहा है कि ये भगवान का अपमान है। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि वे भगवान से ऊपर हैं, ये अहंकार की पराकाष्ठा है। मोदी जी को भगवान का भक्त कहना भगवान का अपमान है। संबित पात्रा की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। मोदी भक्ति में डूबे संबित पात्रा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस ने साफ कहा है कि ये पाप है। नरेंद्र मोदी को खुद इस घृणित बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन फिलहाल इस बयान से सियासत गर्मा गई है। विपक्ष पूरी तरह से बीजेपी संबित पात्रा पर हमलावर है, लेकिन दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या ये बयान पूरी में संबित पात्रा के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करता है। आपको क्या लगता है, इस बयान के बाद से बीजेपी को इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए जैसा कि कांग्रेस कह रही है, या इस पे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? ये सिर्फ एक वही बात है जो पात्रा कह रहे हैं कि एक जबान फिसल गई है। जो भी है कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।